दोस्तों, अगर आप लोग का भी बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो रहा प्रूफ ऑफ इनकम और अदर डॉक्यूमेंट्स के ना होने की वजह से, तो ये वीडियो आप लोग के लिए, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग विदाउट प्रूफ ऑफ इनकम और अदर डॉक्यूमेंट्स के किसी भी बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। और मज़े की बात दोस्तों ये कि आप लोग को किसी भी बैंक ब्रांच का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन अपने मोबाइल लैपटॉप सिस्टम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग को ब्रांच का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को मैं लाइव अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा किसी भी एक बैंक में, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो पहले क्या होता था कि अगर आप लोगों ने किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों को चाहिए होते थे। और उसके बाद दोस्तों आप लोग ब्रांच में जाते थे और वो ब्रांच के जो लोग हैं वो आप लोगों की ठीक तरीके से बात भी नहीं सुनते, और एक वहाँ पे रश वगैरह भी ज़्यादा होता है और आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम वगैरह भी कंज्यूम हो जाता है। स्पेशली जो लोग जॉब होल्डर हैं उनको ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेन मसला हमारा यहाँ पर यह है कि प्रूफ ऑफ इनकम के बगैर जो है वो हम लोग कैसे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, तो आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले मशहूर जो बैंक हैं, यहाँ पर SBL है और UBL है, तो ये सारे मैं इनके आप लोगों को बताता हूँ प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप लोग गूगल पे जाके भी सारे लिंक्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बात रही यहाँ पे कि हम लोगों ने विदाउट प्रूफ ऑफ इनकम के अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे UBL में आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। जो अकाउंट दोस्तों मैंने आप लोगों को बताना है आप लोगों ने वही ओपन करवाना है, उसके अंदर जो है वो आप लोग पाकिस्तान से बाहर, अगर आप लोगों ने किसी और कंट्री से पैसे मंगवाने तो आप लोग वो भी मंगवा सकते हो। आप लोगों को इसमें किसी किस्म की कोई लिमिटेशन देखने को नहीं मिलने वाली है, और मज़े की बात यह कि आप लोगों को दोस्तों इसमें फ्री चेकबुक मिलेगी और फ्री डेबिट कार्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे सिंपल जो है वो यहाँ पे आ जाना है UBLDigital.com के ऊपर, और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को तकरीबन 5 से 6 किस्म के अकाउंट मिल रहे होंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, ओपन ए बैंक अकाउंट विद पाकिस्तान बेस्ट डिजिटल बैंक, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने दोस्तों सिंपल जो है वो सिलेक्ट अकाउंट करना है, सॉरी, और आप लोग को यहाँ पे सारे अकाउंट्स के टाइप्स मिल जाएंगे, जिसमें UBL डिजिटल अकाउंट है, UBL आसान अकाउंट है, UBL फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट है, ठीक है। और इसके आगे भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अकाउंट के टाइप्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने दोस्तों जो अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है वो है UBL फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे लर्न मोर के बटन पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों हमने जो है वो इस अकाउंट की डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब आप लोग अगर इसमें बैलेंस जीरो भी रखते हो तो आप लोगों को कोई भी टैक्स कट नहीं होगा। फ्री आप लोगों को डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों को फ्री चेकबुक इसमें मिलेगी, आप लोग इसमें 5 लाख तक जो है पर डे विड्रॉ ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वो आप लोग एलिजिबिलिटी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि फ्रीलांसर जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फ्रीलांसर, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी बंदा जिसके पास आईडी कार्ड है। और मज़े की चीज़ यहाँ पर ये कि डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वो जस्ट आप लोग का CNIC, यानी कि अगर आप लोग के पास शनाख्ती कार्ड बना हुआ है आप लोग का, तो आप लोग UBL का फ्रीलांसर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जस्ट UBL का नहीं बल्कि आप लोग किसी भी बैंक में चले जाओ, हर बैंक का तकरीबन फ्रीलांसर अकाउंट आ चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हो SBL के अंदर, तो देखिए यहाँ पे भी आप लोग को SBL का फ्रीलांसर अकाउंट देखने को मिल रहा है, जिसमें कोई भी प्रूफ ऑफ इनकम रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट आप लोग के पास आप लोग का आईडी कार्ड होना चाहिए। तो आप लोग अगर ब्रांच में जाके ओपन करवाना चाहो तो आप लोग ब्रांच में भी जाके ओपन करवा सकते हो, अदरवाइज आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम इस चीज़ को देखते हैं कि हम लोगों ने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने UBL को सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल अप्लाई नो के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे UBL का फ्रीलांसर अकाउंट सेलेक्ट हो चुका है। अभी आप कहते हैं कि फर्स्ट टेल अस अबाउट योर अकाउंट यू वांट, ठीक है, लेट्स बिगिन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने जो भी अकाउंट आप लोग ओपन करवाना चाह रहे हो, कन्वेंशनल करवाना चाह रहे हो, इस्लामिक करवाना चाह रहे हो, वो सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जिस करेंसी में दोस्तों अकाउंट ओपन करवाना है आप लोगों ने वो करेंसी सेलेक्ट करनी है। लाइक मैं PKR में करवाना चाह रहा हूँ, मैं नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों को वो बताया जा रहा है कि आप लोगों ने कौन सा डेबिट कार्ड जो आप लोगों को बचाइए, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा था कि हमें पेपाल का जो डेबिट कार्ड है वो फ्री में मिलने वाला है, तो हम लोग इसी को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज दोस्तों अगर आप लोग वीज़ा मास्टर या कोई भी कार्ड लेना चाहो तो आप लोग वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री वाले केस में हमें पेपाल का मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से आप लोग की सिटी पूछेगा, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे लाइक मेरे केस में मेरी सिटी सियालकोट है, ठीक है। तो सियालकोट सेलेक्ट करता हूँ और सियालकोट में अभी जितनी भी ब्रांच आ रही होंगी यूबीएल की वो सारी की सारी नीचे आ जाएंगी। आप लोगों ने कोई भी जो है वो ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से आप लोगों की पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, आप लोगों ने वो यहाँ पे डालते जाना है और ये सारा प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट पे जाके जो है आप लोगों ने आईडी कार्ड नंबर अपना एड्रेस वगैरह सारा डालना है और सबमिट यहाँ पे दोस्तों कर देना। यहाँ पे इसके आप लोग स्टेप नजर आ रहे हैं, वेरिफिकेशन है, अकाउंट डिटेल्स है और रिव्यू एप्लीकेशन है, ठीक है। आप लोगों से कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं मांगेगा, जैसे आप लोगों का आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक यहाँ पे दोस्तों आप लोगों से मांगेगा। देखिए आईडी कार्ड फ्रंट और बैक, यही जस्ट इसने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसको, इसके अलावा कोई नहीं है। मैंने अकाउंट ओपन भी करवाया है, वो भी मैं आपको लास्ट पे दिखाता हूँ। इसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे HBL की तरफ, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को HBL का लिंक भी मिल जाएगा, digitalonboarding.hbl.com, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आ जाते हो, आप लोग लिखा हुआ नजर आ रहा है HBL ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट एप्लीकेशन, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नो के बटन पे क्लिक कर देना। जब अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आओगे तो आप लोगों ने अप्लाई नो के बटन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से इसको एक न्यू टैब के अंदर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड देन यहाँ से आप लोगों ने सबमिट कर देना है, ठीक है। आई वुड लाइक टू ओपन एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ इसके ऊपर और उसके बाद जो इसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हो। बेसिकली हम लोग रेगुलर अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग इस्लामिक करवाना चाह रहे हो तो आप लोग इस्लामिक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं रेगुलर अकाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग करंट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने, अगर आप सैलरी होल्डर तो आप लोग सैलरी को सेलेक्ट करो, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोगों को जो भी अकाउंट चाहिए। तो मैंने जस्ट टॉपिक जो यहाँ पे मतलब हाईलाइट किया हुआ है जिस चीज़ को, वो ये है कि अगर हम लोगों के पास प्रूफ ऑफ इनकम और अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम लोगों ने अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फ्रीलांसर अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे फ्रीलांसर डिजिटल अकाउंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी सिटी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे सियालकोट को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और कोई भी ब्रांच तो है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, नेक्स्ट कर देना यहाँ पे। और उसके बाद आप लोगों से आप लोगों की डिटेल्स, आईडी कार्ड नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मांगेगा, आप लोगों ने वो डालना है, ठीक है। और एक पिक्चर लाइव आप लोग की लेता है और आप लोगों ने वो सारा प्रोसेस करना है। मैं सारा प्रोसेस यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने देन एंड पे जाके जो है वो सबमिट कर देना है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोगों को ये है जो HBL की UBL जो भी हैं, आप लोग इनके ईमेल एड्रेस पे मेल करोगे तो आप लोगों को ये फ़ौरन से कॉल भी कर देते हैं आप लोगों के नंबर के ऊपर और आप लोगों को सारा गाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने एक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है HBL के अंदर, जो कि मैंने ऑनलाइन ही ओपन करवाया था। देखिए जी HBL.digital@HBL.com, ठीक है। और ये तकरीबन मैंने 10 दिन पहले ये मेरा अकाउंट ओपन हुआ है, लेकिन मैं दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पर मुझे मसले कितनी दफ़ा आए, मुझे मतलब कितनी दफ़ा एरर आया अकाउंट ओपन करवाते वक्त, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आप ऑनलाइन जो है वो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ये सिस्टम आया कि आप लोग घर बैठ के आसानी से किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट का एरर आता है तो ये आप लोगों को खुद कॉल करके बताते हैं कि ये चीज़ आप लोगों ने इस तरह से करनी है तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। तो कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोगों को परेशान मजीद होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ्रीलांसिंग करते हो या कोई भी आप लोगों ने पेमेंट वगैरह सेव करनी है, कुछ भी करना है, तो आप लोग घर बैठ के ऑनलाइन किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मैंने जैसे अभी दो बैंक का यहाँ पे बताया, लेकिन बाकी बैंक्स का भी आप लोग खुद से सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल हमज़ा टेक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।